नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड सेकंड सेम एंड बीए बीएड फिफ्थ सेम, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स ने पिछले सेशंस में बात की थी शिक्षण विधि में लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि। अब हम दूसरी विधि की बात कर रहे हैं, निरीक्षण या पर्यवेक्षण विधि, सुपरविज़न और इंस्पेक्शन मेथड फर्स्ट। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर, प्रस्तावना को लेकर। शिक्षण विधियों में निरीक्षण पर्यवेक्षण विधि एक उपयोगी विधि है। ये विद्यार्थियों से शिक्षक को प्रत्यक्षतः जोड़ने का कार्य करती है। शिक्षक कार्यों का अवलोकन करके उसमें सुधार हेतु सुझाव दे सकता है और ये जो विधि है ज्ञान अर्जन में अधिक मददगार है। देखिए, अब बात करते हैं अपन निरीक्षण विधि का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ सुपरविज़न मेथड। देखिए, निरीक्षण विधि जैसा कि हमने भी बात करी, शिक्षण विधि में एक उपयुक्त माध्यम है बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो नागरिक शास्त्र अध्ययन के दौरान जब निरीक्षण तथा अवलोकन द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है तो यह निरीक्षण विधि कहलाती है। किसी वस्तु का निरीक्षण करने से तात्पर्य है उसके प्रत्येक बिंदु पर विषयानुसार सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन द्वारा जांच करना, अर्थात किसी वस्तु स्थान तथा क्रिया को सावधानी से देखने तथा समझने की क्रिया को निरीक्षण कहा जाता है। इस विधि में विद्यार्थी को शिक्षक स्वयं ने बताकर निरीक्षण हेतु प्रेरित करता है। अब बात कर रहे हैं हम डेफिनेशंस को लेकर, परिभाषाओं को लेकर। देखिए, जो निरीक्षण विधि है, इस निरीक्षण विधि के बारे में कई विद्वानों ने, जो नागरिक शास्त्र के जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से कई परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले योकम और सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण एक ज्ञानेंद्रिय विधि है जिससे व्यक्ति को अपने चारों ओर से संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी परिभाषा दी गर्गिल के अनुसार। गर्गिल क्या कहते हैं कि किसी वस्तु का निरीक्षण करते समय उसके भागों, रूपों, संरचना तथा उसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यह आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं को लेकर, लक्षण को लेकर। जो निरीक्षण विधि है उसके क्या क्या लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविज़न मेथड। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है, करैक्टरिस्टिक्स है, वो है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्थायी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा निरीक्षण विधि के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को पथ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है या उसके रूप में प्रस्तुत होता है। तीसरा, इस विधि में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न किया जाता है। तो पूछने का काम और बताने का काम, दो चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अगला, विचार विमर्श द्वारा मूल्यांकन कार्य भी किया जाता है। अगला लक्षण, सफल संचालन के लिए पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण जरूरी है। विस्तृत चर्चा भ्रमणात्मक विधि में
करना उत्तम होता है। अगला लक्षण, निरीक्षण द्वारा विद्यार्थी जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उससे ज्ञान कोश में वृद्धि हो पाती है। इसके अलावा अगला लक्षण, घर परिवार तथा समाज के मध्य उत्तम संबंध स्थापित हो पाता है। क्योंकि देखिए, बच्चा ज्ञान अर्जन के लिए निरीक्षण करता है और स्वयं बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जिससे न केवल परिवार बल्कि समाज इन सभी को अच्छे से वो हैंडल कर पाता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।